कानपुर के बहुचर्चित बिकरऊ कांड के अहम किरदार रहे विकास दुबे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। विकास दुबे से जुड़ी फाइलें कानपुर कलेक्ट्रेट से गायब हो चुकी है। बताया जा रहा है कि फाइलें विकास दुबे के आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी हुई हैं। आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी करीब 200 फाइलें गायब हैं। इन फाइलों का नंबर 131 से 330 तक है, जिसके बाद कानपुर के जिलाधिकारी ने इस मामले में कोतावली में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस एफआईआर में विभाग से जुड़े बाबू विजय रावत का भी नाम शामिल है। मंगलवार देर शाम जिलाधिकारी कार्यालय के लिपिक वैभव अवस्थी ने तत्कालीन सहायक शस्त्र लिपिक व वर्तमान में एसीएम द्वितीय के रीडर विजय रावत के खिलाफ गबन का मुकदमा लिखवाया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। तहरीर के मुताबिक विकास दुबे का शस्त्र लाइसेंस 25 जुलाई 1997 को स्वीकृत हुआ था। यह पत्रावली तत्कालीन सहायक सशस्त्र लिपिक विजय रावत की अभिरक्षा में रखी गई थी, जो कि अब एसीएम द्वितीय के रीडर हैं। इस पत्रावली को 23 जुलाई 2020 को अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने पत्र भेजकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम का पत्र 29 जुलाई 2020 को उन्हें रिसीव कराया गया, लेकिन अब तक विजय ने पत्रावली ना तो शस्त्र कार्यालय में प्रस्तुत की और ना ही किसी कर्मचारी के चार्ज में दी, ना ही वह अभिलेखागार में दाखिल की गई। विजय रावत ने इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण दिया है कि वह पत्रावली तलाश करने पर भी उपलब्ध नहीं हो रही है। उधर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर यह पत्रावली गायब कर दी है। तब नगर मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी गई थी। नगर मजिस्ट्रेट ने जांच की तो पता लगा कि विकास दुबे की फाइल के साथ ही शस्त्र लाइसेंस संख्या 131 से लेकर 330 तक की सभी फाइलें रिकॉर्ड से गायब है। इनके रखरखाव की जिम्मेदारी विजय रावत की ही थी। इसके बाद मंगलवार को जिलाधिकारी के आदेश पर लिपिक ने कोतवाली में तहरीर दी। कोतवाली थाना प्रभारी संजीव कांत मिश्र ने बताया कि लिपिक वैभव अवस्थी की तहरीर पर विजय रावत पर सरकारी संपत्ति के गबन की धारा 409 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना के बाद आगे की कार्यवाही होगी। बता दें कि बिकरऊ कांड में 44 से अधिक आरोपियों की पहचान की गई, जिनमें से 36 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन 36 आरोपियों के खिलाफ हाल ही में कानपुर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश श्रीवास्तव ने कहा कि जांच अधिकारी ने गुरुवार को 36 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था। उनमें कहा था कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या पूर्व नियोजित थी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.